हिमानी रजौरा, क्या कहना चाहेंगी आप? जैसे लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट रिपीट करेगी या इस बार बदलाव होगा? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट फिर से रिपीट करेगी, बीजेपी दोबारा आएगी, क्योंकि इन 10 साल में जितने भी चेंजेस आए हैं इंडिया में, एक डिजिटल नेशन बन चुका है, तो उस वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी दोबारा आएगी। जो 10 साल का कार्यकाल रहा, कौन से काम आपको बेहतर लगे? स्टूडेंट्स के लिए क्या कर पाए मोदी जी? स्टूडेंट्स के लिए काफी कुछ हुआ है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि एजुकेशन फील्ड में कोई चेंजेस नहीं आए, आजकल AI एजुकेशन चल रहा है, डिजिटल एजुकेशन। पहले के टाइम पे आप वही चौक डस्टर से चलते थे, अब इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं। ऐसा है कि अभी कोई भी स्ट्रीट वेंडर भी होगा ना, उसके पास प्रॉपर इंटरनेट है, उसके पास उसके खुद के QR कोड है, उसका एक बैंक अकाउंट है, एंड वो डिजिटल मार्केटिंग भी कर लेते हैं। तो इतना चेंज तो बहुत है 10 साल में। ऐसे बोलते हैं कि जैसे युवा जो है पढ़ लिख कर बेरोजगार घूमते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है कोई गवर्नमेंट की तरफ से, और है भी तो मतलब उस लेवल का नहीं है कि मतलब सब लोगों को रोजगार मिल पाए। क्या आपको भी लगता है अनएम्प्लॉयमेंट इस गवर्नमेंट में ज्यादा बढ़ चुका है? इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें नेपोटिज्म चलता था, पिता जाए बेटा बैठे, परिवारवाद। अब जो है अब एग्जाम बेस पे हो गया तो लोग तो सवाल उठाएंगे, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो रहा, स्किल बेसिस पे कितने एम्प्लॉयमेंट्स हो रहे हैं। और स्किल इंडिया अभी मुहिम चली थी जिसमें कितने लोगों को उनकी स्किल्स के बेसिस पर ही जॉब मिले हैं, कोई एग्जाम कोई रिटर्न एग्जाम देने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो उसमें ही आंसर। जैसे कुछ विपक्ष जो वाले हैं जो मोदी जी पर हमेशा से आरोप लगाते हुए आए हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा कर दी, युवाओं के लिए प्लेसमेंट्स नहीं है, तो कैसी गवर्नमेंट चला रहे हैं आप? तो क्या कहना चाहेंगे कि मतलब 2014 के बाद से ये सारी चीजें जो है एक अहम मुद्दा बनी है देश में? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो बदला है ना, पहले आप जैसे रहते थे उस तरह से आप हर साल थोड़ी रहोगे कि हाँ बिल्कुल ही राजा महाराजा के युग से 1 रुपया चलता आ रहा है तो अभी भी 1 रुपया चलता जाएगा, ऐसा नहीं है ना। राची कपूर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक युवा हैं, स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाती हैं, युवा क्या सोच रखता है कि मतलब कि गवर्नमेंट ने कैसा काम किया और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए? नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही होंगे, और आज का युवा भी उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता है। कांग्रेस नहीं आएगी और ना आज का युवा कांग्रेस लाना चाहता है। मोदी जी ने बहुत काम किया है, इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हुई है, अगर बहुत सारे सेक्टर्स में हुई है, वहाँ कांग्रेस कभी पहुंची ही नहीं थी, तो बहुत सारे सेक्टर्स में डेवलपमेंट हुई है और आगे भी मोदी जी करेंगे। राहुल गांधी भी जी हमेशा से बोलते हैं कि युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाए, अनएम्प्लॉयमेंट है देश में इतनी ज्यादा। जैसे आप जैसे युवा जो पढ़ लिख के जॉब्स पाएंगे, तो आप लोग कैसे फेस करते हैं इन सब चीजों को? आपको भी लगता है बहुत ज्यादा बेरोजगार दिए? मैम पॉपुलेशन है उस अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट तो है, बट कांग्रेस के टाइम पे कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, नेपोटिज्म था, एग्जाम बेसिस पे हो रहे हैं, सब अपनी अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं, स्किल बेस पे सब अपनी अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं, जो जितना शार्प है उतने अकॉर्डिंग जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, तो आगे डेवलपमेंट ही होगी हर सेक्टर में। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव देखा 2014 के बाद से? देश में क्या परिवर्तन देखा है जो आपको लगा कि बहुत लार्ज स्केल पे देश में काम हुआ, क्या क्या चीज़ें देखी? G20 में इंडिया का नाम आया, बाहर हर फॉरेन कंट्री में आजकल प्राइम मिनिस्टर हमारे जा रहे हैं, बहुत सारा काम हुआ है जो पहले नहीं हुआ था। फॉरेन पॉलिसी, हाँ जी फॉरेन पॉलिसीज बहुत ज्यादा बेहतर हुई। क्या नाम? मैम मेरा नाम सोनाली है। आप क्या कहना चाहेंगे, किसे देखना चाहेंगे 2024 में? 2024 में तो मैं बीजेपी को ही देखना चाहूंगी, क्योंकि उनका वर्क बहुत अच्छा है, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ किया, जैसे अभी नई शिक्षा नीति उन्होंने लागू की है 2022 में, जिससे हमें इंडियन हिस्ट्री को दबाया जा रहा था। 2020 के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उससे हम अपनी हिस्ट्री को और अच्छे से जान सकते, तो बीजेपी गवर्नमेंट को मैं सपोर्ट करूँ। देश में क्या बदलाव देखा आपने पुराने 10 सालों में? देश में क्या क्या चीजें जो है नई बेहतर हुई और नई हुई? सबसे बड़ा डेवलपमेंट अभी हम जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं, धारा 370 हटाई गई है, जबकि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब तो नहीं हटाई गई थी, जहाँ जिसके कारण बहुत ज्यादा टेररिज्म हो रहा था, लेकिन अब जो धारा 370 हटी है उससे टेररिज्म हद से ज्यादा कम हुआ है, उससे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज को भी बहुत ज्यादा रिलैक्समेंट मिला है। आप महिलाएं हैं, तो राहुल गांधी जी ने अभी मैनिफेस्टो में अपने ऐसा बोला था कि यदि उनकी गवर्नमेंट बनती है तो महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए फ्री देंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसे फ्री देना 1 लाख रुपए महिलाओं को, क्या ये सही पॉलिसी है? नहीं, ये सही पॉलिसी नहीं है, क्योंकि इतने पैसे अगर वो फ्री में देंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? डेवलपमेंट की बात सवाल करना चाहूंगी, जो महिलाओं को फ्री देने की बात कही है कि 1 लाख रुपए हर साल फ्री दूंगा, क्या कहेंगे? टैक्स तो हमारा ही है, हम टैक्स पेयर्स हैं, हमारा ही पैसा हमारे पास आने के बजाय वो दूसरों को खैरात में बटे तो अच्छा थोड़ी है। जो गरीबी को लेके बोलते हैं कि मतलब ऐसे चुटकी बजाते मैं गरीबी खत्म कर दूंगा, उस बात में कितना आपको दम लगता है कि हो सकती है चुटकी बजाते गरीब इनके घर पे या इनके पास इतना पैसा है तो हो सकती है? पिछले 70 साल से तो यही कह रहे कि गरीबी मिटाएंगे, इंदिरा गांधी जी का भी नया था गरीबी हटाओ गरीबी मिटाओ, अभी तक तो हटी नहीं, अभी तक तो हटी नहीं, तो आप कहाँ से हट जाएगी? क्या नाम? चिराग, गरीबी की बात से हो, जब से आजादी उसके बाद से गरीबी हटी नहीं हो, इतने साल तो कांग्रेस है लिया, अभी बीजेपी को भी आए हुए इतने साल हुआ है, उसमें भी इन्होंने इतना काम कर लिया, आयुष्मान भारत आ गया, स्टार्टअप इनिशिएटिव्स आ गए, इतने सारे इनिशिएटिव्स आ गया,
उसमें इतना चेंज हो गया, लेकिन उनके आजादी के बाद से अभी तक उनसे गरीबी नहीं हटाएगी, उनके तो मोटिव ही बदलते रहते हैं। ये अगर टर्म आप राहुल गांधी जी को मौका देते हैं इस बार 2024 में, तो देश में बड़े बड़े बदलाव होंगे, गरीबी खत्म होगी, महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। वो तो आलू से सोना बनाने वाले थे, बना अभी तक, उनका बोलने में क्या जा रहा है। अभी अगर वो आ भी गए तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होना। जैसे जय मोदी आया इस बार 400 बार बोल रहा है, तो उसने बोला है कि वो यंगस्टर्स के लिए काम करेगा, नए नए इनिशिएटिव्स, नए नए एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, तो कर भी सकता है। लेकिन इतने साल से आजादी के बाद से अभी तक हो गई, लेकिन वो तो अभी तक हटे ही नहीं है। आपने बोला कि दोबारा से मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, मैं पूछती हूँ क्यों बनना चाहिए? क्या केवल मोदी नाम काफ़ी है, सचमुच में काम भी किए उन्होंने? अभी मैं उनके इतने काम गिनवा सकता हूँ जितने उन्होंने पूरे आज़ादी के बाद से अभी तक नहीं कर रहे हैं। आयुष्मान भारत वो आ गया, हेल्थ कवरेज आ गई, उन्होंने नए इनिशिएटिव ला दिए, उन्होंने बोल रहे कि भगवान के नाम पर वोट मांग रहे, उन्होंने तो इतने साल से अभी तक वो भी नहीं करा था। राम मंदिर बन गया, ज्ञान वाप भी आ गए, इतने काम हो गए, वो आज़ादी के बाद से अभी तक तो हुए नहीं है। पूरा एम्स बन चुके हैं अभी तक, खाली 8 एम्स है कांग्रेस के राजकाल में, मोदी जी के राजकाल में आके 16 एम्स और नए बन चुके हैं, हॉस्पिटल्स नए बने, एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन में काफ़ी कुछ हो रहा है, जो एजुकेशन में घपले कर रहे थे वो सब जेल में पड़े हुए हैं। ऐसे बोल रहे हैं कि जो देश का युवा है, बोल रहे हैं कि युवा तो युवा कोई प्राइम मिनिस्टर देखना चाहेगा जो राहुल गांधी जी हैं। मैम पप्पू को कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहता, सीधी सी बात है मैम। समटाइम्स जैसे देखिए कांग्रेस के पास लीडर्स अच्छे, कांग्रेस के पास मिनिस्टर्स अच्छे हैं, बट उनका लीडर अच्छा नहीं है। जस्ट लाइक मोदी जी काफ़ी अच्छे लीडर हैं। आपको बेहतर लगे मोदी जी के इन 10 सालों में, सबसे बेस्ट काम कौन? डिजिटलाइजेशन कर दी मैम उन्होंने, जिससे काफी सारे स्कैम्स आपके कम हो गए। अब जब भी आप देखेंगे आप कहीं भी UPI पेमेंट करते हैं, उससे 3 से 4 सेक्टर्स में फायदा होता है। पहला बैंकिंग सेक्टर, जिसमें आपका जो पर्टिकुलर पर्सन है उसका अकाउंट बैंक से लिंक होता है, आधार कार्ड से लिंक होता है, पैन कार्ड से लिंक होता है। उसके बाद आपकी डिजिटल मनी ट्रांजेक्शन होती है, जिससे आपका नॉर्मल नोट्स के यूज कम होता है, स्कैम्स और आपके जो फेक नोट्स हैं वो कम मार्केट में सर्कुलेट होंगे। आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी मैम, क्या नाम है? दिव्यांशी मलिक। आप क्या कहना चाहेंगी कि कौन होना चाहिए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देश? नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर चाहे कोई भी हो 2024 में, बट जो मेन है जो यंगस्टर्स के लिए है, एज अ स्टूडेंट मैंने एक चीज़ देखी है कि जो भी रिजर्वेशंस वगैरह है वो कास्ट सिस्टम या रिलीजन बेसिस पे है, फाइनेंशियल बेस पे क्यों नहीं है? क्योंकि मैं और मेरे मतलब पुराने स्टूडेंट्स जो भी फ्रेंड्स वगैरह थे, हमने बहुत देखा है ये कि जो फाइनेंशियली स्टेबल्स नहीं होते उनके लिए निकाली जाती है, बट परसेंटेज बेसिस होती है, और जो कास्ट बेस पे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है बट उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, वो मेहनत करते हैं नहीं। तो मेरा क्वेश्चन, मतलब जो भी अभी सरकार आएगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे, मेरा क्वेश्चन सबसे है कि आप अगर रिजर्वेशन ला रहे हो तो आप कास्ट बेस पे हो या रिलीजन बेस पे क्यों, फाइनेंशियल बेस पे क्यों नहीं? क्योंकि नीड है उसे मिला, हाँ, जिसको नीड है। प्लस आप ये देखें कि जो भी पटरी पे लोग रहते हैं, जो भी जिनकी फाइनेंशियल थ्रू आउट जिनकी फाइनेंशियल ठीक नहीं होती है कंडीशन, उनके पास नॉलेज अच्छा होता है, बट थ्रू आउट यही है कि रिजर्वेशन आ जाता है, उनको चांस मिल ही नहीं पाता, वो पीछे के पीछे ही रह जाते हैं, और वो आगे आने की कोशिश करते हैं, तो बात आ जाती है कि आपका कास्ट, अगर जनरल वालों को देखा जाए तो थ्रू आउट जितना भी आप नहीं मिलता उनको परसेंटेज बेसिस पे कि आपको 90 लाना, आपको 80 लाना, वही SC ST OBC वालों को देखो। जो प्राइम मिनिस्टर की जो छवि है देश में और आप जैसे युवाओं के अंदर, क्या विचार करते हैं उनके बारे में, मतलब उनके बारे में कि कैसा लगता है उनका काम और क्या विचार करते हैं उनके बारे में? देखिए प्राइम मिनिस्टर जो अभी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं, डिजिटलाइजेशन किया है, राम मंदिर का हो गया, लेकिन बेस्ड यही है कि हम जो यंगस्टर्स है हमें रिलीजन नहीं चाहिए, रिलीजन बेस पे नहीं चाहिए। आप अभी देखेंगे जितने भी डिबेट्स हो रहे हैं रिलीजन बेसिस पे हो रहा है, कास्ट बेसिस पे हो रहा है, और यंगस्टर की बात कोई कर ही नहीं रहा है, घूम फिर के हिंदू मुस्लिम। क्या यंगस्टर को हिंदू मुस्लिम ही चाहिए? उनको तो जॉब चाहिए, उनको अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी चाहिए, वो मिल नहीं रही है, लेकिन वोट के लिए आप हिंदू मुस्लिम करें, आप SC ST करें। आरोप जैसे आपने बात छेड़ी, ये आरोप मोदी जी पर भी लगाता है विपक्ष की, मोदी जी केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जो युवा हैं उनके अंदर उनके जो मानसिक है उनको मानसिक गुलाम बना लिया है मोदी जी ने सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे। क्या आपको भी लगता है कि आजकल का जो युवा है केवल मोदी जी के कहने पे कि जय श्री राम ये सब हिंदुत्व को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं? देखिए युवा जो है वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ना ही आप ये बोल सकते हो कि हाँ मोदी जी ही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बाकी पार्टीज भी हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन वो वही है कि आप एक पॉइंट मिल गया आप उसी को बोले जा रहे हो कि उन्होंने ही किया, उन्होंने ही बोला है। तो अगर आप किसी भी अक्सर से पूछ ले, अगर मैं हूँ और मेरी दोस्त मुस्लिम है, तो ये नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम पर झगड़ा करेंगे, हम दोस्त तो दोस्त ही रहेंगे, वही चीज़ है। अगर आप हिंदू मुस्लिम करके खुद ही बोल रहे हो कि आप यंगस्टर के दिमाग में हिंदुत्व डालो या मुस्लिम के बारे में डालो, वो चीज़ गलत है। तो मतलब ये नहीं अपनी इंडिपेंडेंस सोच है और